दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेरणा केरन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी की, शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान जिसको दोस्तों हम बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो आती है कहाँ? सेकेंड ग्रेड में। जबकि जो रीट है उसके अंदर पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, और जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसमें पूछा जाता है शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, इस शिक्षा मनोविज्ञान में देखो दो शब्द आ रहे हैं आपके सामने, एक तो शिक्षा और एक मनोविज्ञान। लेकिन इन दोनों शब्दों का मेल कैसे हुआ? शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कौन लाया? शिक्षा क्या होती है और मनोविज्ञान क्या होती है? इन सारी चीजों को अपने को समझना है। यानी कि इस क्लास में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ चीजें समझनी होंगी। सबसे पहला तो एक प्रश्न का उत्तर ये होगा कि जो शिक्षा है, शिक्षा ये क्या होती है, शिक्षा किसे कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न हमारा ये होगा कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान क्या होता है। तीसरा, इन दोनों का संबंध क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। और फिर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र की भी बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसी है, इस प्रकृति की भी बात अपने यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, और इन दोनों का संबंध क्या है, इस शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, ये सारी चीजें जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत समझी जाती हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षा की बात ना करके मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान क्या है। हालांकि आपने बहुत सारी क्लासों में, ऑफलाइन ऑनलाइन में, सब जगह मनोविज्ञान का अर्थ तो समझ ही लिया होगा अब तक। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये तो समझ ही लिया होगा आपने। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मनोविज्ञान एक्चुअली क्या होता है, मनोविज्ञान जो है वो क्या है, मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया और इसका क्या अर्थ होता है, ये सारी बात आज अपने इस क्लास में करने वाले हैं। दोस्तों शिक्षा अलग है, मनोविज्ञान अलग है, लेकिन शिक्षा के अंदर जो है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति भी लाई गई, तो ये सारी चीज अपने यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान दोस्तों अंग्रेजी के एक शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और अंग्रेजी का वो शब्द है साइकोलॉजी। अंग्रेजी का वो शब्द क्या है, वो शब्द है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण होता है मनोविज्ञान। अब इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे? इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के दो शब्दों से। अब लैटिन भाषा के ये दो शब्द कौन से हैं दोस्तों? एक है साइकी, साइकी, और एक है लोगोस। साइकी और लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बन रहा है, जिसमें साइकी का अर्थ क्या होता है, साइकी का अर्थ होता है सोल। सोल किसको बोलते हैं? सोल बोलते हैं आत्मा को। और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। लोगोस का अर्थ क्या होता है? स्टडी। और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन, और सोल का अर्थ होता है आत्मा। तो अगर हम हिंदी पे जाएं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आत्मा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अध्ययन। इसका अर्थ है अध्ययन, इसका आत्मा। तो इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, ये अर्थ दोस्तों इसका निकलेगा।
अब देखो, आत्मा का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल या आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। और ये जो दो शब्द हैं साइकी और लोगोस, ये शब्द किस भाषा के हैं, ये शब्द हैं लैटिन भाषा के। ये शब्द किसके हैं, ये शब्द हैं लैटिन भाषा के, जिसको हम ग्रीक लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसको हम यूनानी भाषा भी कहते हैं। तो ये साइकोलॉजी शब्द इस तरह से बना, क्योंकि याद रखिए अपने को शिक्षा को भी पढ़ना है, अपने को मनोविज्ञान को भी पढ़ना है। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, ये सारी चीजें आपने रीट में नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं सेकेंड ग्रेड में। ये सेकेंड ग्रेड की जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, जिसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है, वहां पढ़ी जाती है। तो आपको पहले मनोविज्ञान का अर्थ पता होना चाहिए, फिर आपको शिक्षा का अर्थ बताएंगे, फिर इन दोनों के बीच में संबंध बताएंगे, फिर इनके क्षेत्र बताएंगे, फिर प्रकृति बताएंगे। दोस्तों, कई बार आपने एक प्रश्न सुना होगा कि शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि शिक्षा के अंदर ये शिक्षा थी और ये मनोविज्ञान इसके अंदर आ गया। शिक्षा तो सदियों से चली आ रही थी, मनोविज्ञान सदियों से नहीं था, मनोविज्ञान बाद में आया है, इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र विषय से हुई है। तो ये मनोविज्ञान शिक्षा के अंदर घुसा कैसे, या ये कह सकते हैं कि शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को घुसाया किसने, या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये दो चार प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न एक ही है, घुमा फिरा के दो चार तरीके के प्रश्न लग रहे हैं। तो इस प्रश्न की भी उत्तर हम आपको देंगे, लेकिन आपने ये कई बार पढ़ा, हालांकि अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने रूसो का नाम सुना होगा दोस्तों। किसका, रूसो का। रूसो जो थे, रूसो इन्हें शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। और आपको याद होगा इन्होंने एक एमिली नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें एमिल और सोफी नाम की एक बालिका की कहानी इन्होंने बताई थी। और इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि जो है बालक जो है वो एक पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट कथन भी बताऊंगा। फिलहाल आपको जानना है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजी का जो है हिंदी रूपांतरण है, और साइकोलॉजी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, जिसमें एक का अर्थ है साइकी, दूसरा है लोगोस। साइकी और लोगोस मिलकर ही जो है साइकोलॉजी बने। साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। इन दोनों को मिलाया जाए तो स्टडी ऑफ सोल बनता है, और आत्मा का अध्ययन हिंदी रूपांतरण होता है, और इसलिए आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु दोस्तों, ये जो परिभाषा है ना, आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान है, अब वर्तमान में ये भाषा परिभाषा मनोविज्ञान की प्रचलित नहीं है, प्रचलन में नहीं है। वर्तमान में तो मनोविज्ञान को दोस्तों व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। वर्तमान में ये व्यवहार का विज्ञान है, और ये व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन थे, जेबी वॉटसन थे। जेबी वॉटसन मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। तो मैं, हालांकि बहुत सारे मत हैं मनोविज्ञान के संबंध में, पहले आत्मा का अध्ययन आया, आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर इसको मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, और अंत में व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। हालांकि इसकी लंबी कहानी है, लेकिन अपने सेकेंड ग्रेड में ये कहानी काम की नहीं है। अपने को तो मनोविज्ञान का अर्थ पता करना था, ये अर्थ है। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है। ये मनोविज्ञान का अर्थ तो हो ही क्या, लेकिन शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा के अर्थ को भी अपने जाने, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनमें संबंध क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपने इसको भेजते हैं स्लाइड को आगे, और अपने भी बढ़ते हैं थोड़े से आगे। भैया आप आगे खिसकिए थोड़ा सा, फिर हम दूसरी स्लाइड की बात करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। हालांकि अभी तो मिडल ही है, अभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे शिक्षा की। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे शिक्षा की। और शिक्षा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन।
एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ये शब्द कैसे बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस बात को भी अपने जान ही लेते हैं। तो इस बात को यहाँ से जानेंगे कि देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें शिक्षा शब्द की। तो शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की शिक्ष धातु से ये शब्द बना है। शिक्ष धातु किसमें? संस्कृत में। शिक्ष धातु से ये शब्द बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों सीखना। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत में शिक्ष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है सीखना। और शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, इसमें कौन कौन भाग लेता है? मान लो कि शिक्षा, आप किसी को कोई शिक्षा ले रहा है या कोई किसी को शिक्षा दे रहा है, तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन भाग लेता है दोस्तों? इसमें एक तो शिक्षक भाग लेता है जो शिक्षा दे रहा है, और एक व्यक्ति शिक्षा ले रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? शिक्षार्थी। एक तो शिक्षार्थी, एक शिक्षक और एक पाठ्यक्रम। ये तीन चीजें जो है ना, ये शिक्षा की प्रक्रिया में काम आती हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में कितनी चीजें भाग लेती हैं? शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक भाग लेता है, शिक्षार्थी भाग लेता है और पाठ्यक्रम भाग लेता है। तीन चीजें जो हैं वो शिक्षा की प्रक्रिया में काम आती हैं, यानी कि तीन चीजों से शिक्षा की प्रक्रिया संपादित होती है। अगर इसमें प्रश्न इस टाइप का बन जाए कि निम्न में से किसके द्वारा शिक्षक की प्रक्रिया संपादित नहीं होती है? शिक्षक के द्वारा, शिक्षार्थी के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया जो है संपादित होती है। यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों चीजें भाग लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो एजुकेशन शब्द है, ये जो एजुकेशन शब्द है ये क्या है भाई? जैसे साइकोलॉजी तो साइकी और लोगोस से बना था, तो ये इसके बैकग्राउंड की क्या कहानी है? ये एजुकेशन शब्द कैसे बना? जैसे साइकोलॉजी तो साइकी और लोगोस से बना था, जो कि लेटिन भाषा के शब्द थे या यूनानी भाषा के शब्द थे, लेकिन ये एजुकेशन कहाँ से बना? अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों ये भी लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर ही बना है, जिसमें एक होता है ई और दूसरा होता है ड्यूको। एक तो ई और दूसरा ड्यूको, ई ड्यूको। यानी कि ई का अर्थ तो होता है भीतर से, और ड्यूको का अर्थ क्या होता है? ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना, बाहर लाना। ठीक है, ई ड्यूको। ई का अर्थ होता है भीतर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना। तो इसका मतलब शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब शिक्षा का अर्थ हुआ किसी व्यक्ति के अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर लाना। किसी व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई योग्यता होती है और शिक्षा के माध्यम से ही उसको बाहर लाया जाता है। तो व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर लाना ही दोस्तों शिक्षा कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। जैसे साइकोलॉजी शब्द ई जैसे साइकोलॉजी शब्द साइकी और लोगों से बना था, जो कि लेटिन भाषा के थे, इसी तरह एजुकेशन शब्द भी जो है ना लेटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है भीतर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना। तो पूरी डेफिनेशन की बात करें तो व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर लाना ही एजुकेशन कहलाता है दोस्तों। लेकिन एजुकेशन के संबंध में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। हाँ, एक चीज और भी आपको याद रखनी चाहिए, ये जो है ना एजुकेशन शब्द एजुकेटम से भी बना है। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है कि जो एजुकेशन शब्द है ना, ये एजुकेटम से भी बना माना जाता है। ये भी लेटिन भाषा का शब्द होता है और एजुकेटम से भी बना मानते हैं। कुछ जो है इसको एडुसियर से बना भी मानते हैं। ये भी लेटिन भाषा का शब्द है, एडुसियर। और कुछ लोग इसको एजुकेयर से भी मानते हैं बना हुआ, एजुकेयर, एजुकेयर। और चाहे एजुकेटम हो, चाहे एडुसियर हो, चाहे एजुकियर हो, इन तीनों का एक अर्थ निकलता है। इन तीनों का एक अर्थ होता है कौन सा? नेतृत्व लाना, या इनका अर्थ होता है बाहर लाना,
नेतृत्व करना या बाहर लाना। नेतृत्व करना या बाहर लाना, इनका अर्थ होता है ये। तो ये तो हुई बात मनोविज्ञान के अर्थ की और शिक्षा के अर्थ की। अब जो है शिक्षा के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं कि शिक्षा है क्या एक्चुअली, तो उनकी भी बात कर लेते हैं अपने। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो थोड़ी सी और मैं आपको और भी अच्छी चीजें बताऊं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी जी की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गांधी जी की। गांधी जी ये साइकोलॉजी में भी आ गए हैं और वैसे इतिहास में तो इनका, इन्हीं की कहानियां हैं, इन्हीं के चर्चे हैं पूरे इतिहास में, लेकिन यहाँ पर भी गांधी जी की हम बात करेंगे। यहाँ पर भी हम गांधी जी की बात करने वाले हैं। तो गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में क्या कहा है इसको जरा समझते हैं। दोस्तों गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालकों के सर्वांगीण विकास से है। मैं एक बार मौखिक रूप से आपको बता देता हूँ, गांधी जी ने कहा था कि क्योंकि ये जो पेन है वो ठीक से काम कर नहीं रहा है, तो आप चीजों को सुनकर भी नोट करते रहें कि गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वांगीण विकास से है। यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास करने वाली वस्तु को शिक्षा कहा जाता है, ऐसा इन्होंने, गांधी जी ने कहा था। फिर विवेकानंद थे, विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णताओं को प्रकाश में लाना शिक्षा कहलाता है। ये एजुकेशन की डेफिनेशन से पे चले गए और उसी के हिसाब से इन्होंने बताया, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि एजुकेशन की, एजुकेशन शब्द जो है ई ड्यू को दो शब्दों से बना है, ई का अर्थ होता है भीतर से और ड्यू को का अर्थ होता है बाहर लाना। तो विवेकानंद जी भी इसी डेफिनेशन के ऊपर गए और उन्होंने कहा कि जो मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णताएं हैं उनको प्रकाश में लाना ही शिक्षा कहलाता है। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन भी थे, उन्होंने कहा था कि यदि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती है तो वह अपूर्ण है। यदि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती है तो फिर वो अपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन भी आती है। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था? पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित और प्रगतिशील विकास है। इसके अलावा फ्रेंडसन भी थे, एक फ्रेंडसन ने कहा था कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। फिर एक ब्राउन थे, ब्राउन ने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो ये अलग अलग विद्वानों की डेफिनेशंस हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा था, ये पेन ठीक से काम कर रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो मैं आपको एक बार फिर धीरे धीरे बोल लेता हूँ और आप जो है उसको लिख सकते हो। गांधी जी ने क्या कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से, दोस्तों ये ठीक से काम नहीं कर रहा है फिलहाल, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ, आप जो है उसको लिख सकते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालकों के सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालकों के सर्वांगीण विकास से है। फिर विवेकानंद जी की डेफिनेशन है, विवेकानंद जी ने जो डेफिनेशन शिक्षा की दी है वो लिखिए आप। ये कहते हैं कि मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णताओं को प्रकाश में लाना शिक्षा है। मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णताओं को प्रकाश में लाना शिक्षा है। फिर डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा दी गई डेफिनेशन लिखिए। ये कहते हैं कि यदि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती है तो वह अपूर्ण है। क्या कहा डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने? यदि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती है तो वह अपूर्ण है। फिर दोस्तों पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। फिर फ्रेंडसन ने कहा था कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। फिर
ब्राउन ने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों पेन काम नहीं कर रहा इसलिए अपने को कुछ ऐसे लिखना पड़ा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से नोट्स बनाइए। रेगुलर इस क्लास में आपको शिक्षा मनोविज्ञान को सेकेंड ग्रेड के लिए पूरा कराया जाएगा और साथ ही उन टॉपिक को भी लिया जाएगा जो रीट के लिए है, यानी कि रीट और सेकेंड ग्रेड के लिए जो मनोविज्ञान है वो सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप जो है कंटिन्यूअसली इस क्लास को देखते रहें, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, मुझे प्रसन्नता होगी। मैटर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए, और अगर मैटर दोस्तों आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।